तो गाइस लास्ट वाले गेम प्ले में आप लोगों ने देखा था कि यार एक टॉयलेट मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया था सिंचैन की बॉडी के ऊपर। तो यार मैंने हाथ मिला लिया था कैमरामैन के साथ सिंचैन को वापस लाने के लिए, पर गाइस यार सिंचैन तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने मेरी क्या बैंड बजाई थी। तो गाइस यार अब तुम्हारा भाई अपग्रेड हो चुका है, अब सिंचैन को हम लोग वापस लेके आएंगे, लेट्स गो। तो गाइस यार तुम्हारा भाई ट्रेन पकड़ कर आ चुका है फाइनली। मेरे को पता चला कि यार असल में सिंचैन को यही कहीं पर देखा गया है, और आप लोग देख रहे हो यार सिंचैन के आतंक से और वो टॉयलेट मॉन्स्टर के आतंक से यार यहाँ पर कोई भी नहीं है यार, पूरा शहर खाली है। क्या आतंक मचा रखे इन लोगों ने, है कहाँ पर वो? ओ गाइस यार वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। ओ गाइस यार ये तो स्किबिडी टॉयलेट और सिंचैन है, और गाइस ये मासूम लोगों को टॉयलेट बना रहे हैं। ओए सिंचैन रुक जा, बहुत हुआ तेरा आतंक, तू खुलेआम लोगों को टॉयलेट बना रहा है, मैं आ चुका हूँ तुझे रोकने के लिए। अरे सुमित भैया तुम फिर से आ गए मुंह उठाकर। हाँ पर इस बार मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुमित भैया पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तुम मेरे भाई थे और मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी, अगली बार मेरे आगे आए तो मार डालूंगा या फिर टॉयलेट बना दूंगा, और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है तुम फिर से आ गए मरने के लिए। पर मैं इस बार तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे सुमित भैया छोटी छोटी बातें मत करा करो, पहले तुम्हारे साइड में तो देखो एक बार, तुम मुझे जब मारोगे पहले उनसे तो निपट लो। किससे निपट लूं, कौन है मेरे साइड में? तुझे क्या लगता है ये गटर के टॉयलेट, गंदे टॉयलेट मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सिंचैन तूने ये क्या किया, क्या करते इन लोगों के साथ? अरे समित भैया देख तुम्हारे चक्कर में बेचारे मामूली लोग मारे गए। सिंचैन तेरे सर के ऊपर खून सवार हो गया, तू बेचारों को मारे जा रहे और मैं यहाँ पर कुछ चूड़िया पहनने नहीं आया हूँ, अभी बताता हूँ तेरे इंसानिकों को। ये लो, एक को नहीं छोड़ूंगा, ये लो सबको फोड़ डालूंगा। तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, तुम लोगों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे टॉयलेट्स को खत्म कर दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और कहां है तेरे चमचे? अरे कहां गया? गाइस सिंचैन भाग गया यहां से, शायद उसको पता चल गया कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। सिंचैन नहीं भाग सकता तू मुझसे, अभी बताता हूं तेरे को कहां जा रहा है। ये रहा, अभी बताता हूं, सबसे पहले इसको मारता हूं, ये ले। अरे समित भैया को मारो। अबे तुम लोग कहां जा रहे हो, तेरे सारे कठपुतलियों को मार डालूंगा। सिंचैन कहां जा रहा है बेटे, तू मुझसे भाग नहीं सकता, इधर आ। अरे समित भैया तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो? हाँ सिंचैन मैं तुझे ऐसे ही हराने वाला हूँ, तुझे क्या लगता है तू ताकतवर, मुझसे ताकतवर नहीं है, और अब मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ खतरनाक वाली। तो असमित भैया अब मेरी बारी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ से जा रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम थोड़े ताकतवर हो चुके हो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें यहाँ से जो फेंक फेंक मारूंगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी बैंड बचाने। ये लो। गाइस यार मैं सिंचैन को मारना नहीं चाहता, वरना मैं एक बार में मार दूंगा ना तुझे। समित भैया मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो यहाँ पर। सिंचैन मुझे लगा कि मैं बिना मारे तुझे अपनी साइड कर सकता हूँ, पर नहीं तू नहीं मानेगा, क्या कर लोगे तुम? चलो। अरे सुमित भैया अभी रुक जा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे ओ गाइस यार सुमित भैया कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं, मुझे अब मदद लेनी होगी। ओए सिंचैन के बच्चे कहाँ जा रहे हैं बुजदिल, मुझे जल्दी से उसको बुलाना होगा। अरे कहाँ पर है, जल्दी से आ जाए यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, जल्दी आ जाओ तुम्हारी जरूरत है बहुत ज्यादा। गाइस यार इस सिंचैन का बच्चा तो भाग गया, कहाँ चला गया भाई, इसको पकड़ूंगा कैसे अब? ओए अरे ये कौन बोला? मैं बोला। ओ गाइस ये लगता है स्किबिडी टॉयलेट्स का मुखिया है, और ये कितना ज्यादा बड़ा है। ओ माय गॉड भैया माफ करना। अरे स्किबिडी टॉयलेट कहाँ लगा दिया था इतना ज्यादा टाइम? अब बोलो समित भैया मुझसे तो ज्यादा ताकतवर हो गए, पर हमारे सरताज से ज्यादा ताकतवर नहीं हो गए, अब ये तुम्हारी बैंड बजा देंगे, देखना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, भागो अब यहाँ से। गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, शायद मैं इसको नहीं हरा सकता, ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मारो इसको, कहाँ जा। ये लो तुम्हें बताता हूँ अभी मैं। अरे गाइस यार ये तो ऐसी तैसी करते सुमित भैया की। गाइस यार ये तो सेमी बहुत ज्यादा ताकतवर है सेमी, इसको मैं कैसे हराऊंगा? ओह माय गॉड इसने तो मेरी पैंट बजा दी। ओ भैया। अरे सुमित भैया अब क्या हो गया, बोलो मुझे तो बहुत मार रहे थे। भाग जा भाई गाड़ी वाले यहाँ से, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है सेमी, ये तेरे को मार डालेगा, चला जा यहाँ से। ओ गाइस यार इसने तो गाड़ी वालों को भी मार डाला। कब बोलो कौन आएगा हमें रोकने के लिए, हम हर एक को चुन चुन कर मारेंगे। ओ गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो तो सही है यार, मैं एक झटके मुड़ के यहाँ पर आ गया, और इसको मैं अब नजर नहीं आ रहा हूँ कि मैं यहाँ नीचे हूँ, वरना ये मेरे को जान से मार देगा। गाइस यार इसको हराना नामुमकिन है भाई, मेरे पास जो पावर्स है
वो तो बिल्कुल यूज नहीं आने वाली यार। उन पावर से मैं छोटे मोटे टॉयलेट्स को तो हरा सकता हूँ और सिंचैन को हरा सकता हूँ, पर गाइस यार इसकी पावर से एकदम नेक्स्ट लेवल की है। प्लीज मेरी कोई मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा, बचाओ कोई इससे पहले कि ये मुझे ढूंढ कर मुझे भी मार डाले, बचाओ। फ्रैंकलिन टेंशन मत लो, हम आ गए। है? कौन बोला? फ्रैंकलिन मैं हूँ, कैमरामैन तुम्हारा दोस्त। ओ यार तुम तो कैमरामैन से बाहर आ गए। मैंने बोला था ना एक दिन मैं तुम्हें अपना शरीर जरूर दिखाऊंगा, और देखो मैं अपने साथ कितने सारे दोस्त लाया हूँ। ओह गाइस यार देख रहे हो आप लोग, यार ये तो मेरी टीम है। जैसे टॉयलेट मॉन्स्टर के पास उसके दोस्त हैं, ऐसे यार हमारे पास भी हमारे दोस्त हो गए और हमारी टीम भी बड़ी हो गई। हाँ फ्रैंकलिन अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं भी तुम्हारे साथ जंग लड़ूंगा वो भी खुले में। ओह गाइस यार अब मुझे लगता है कि हम लोग इतना ताकतवर हो चुके हैं, यार हर एक टॉयलेट मॉन्स्टर का नाम और निशान मिटा देंगे, पूरे लॉस सैंटोस में थे। और गाइस यार अब हमारा सबसे बड़ा गोल ये है कि हमें अपने जैसे और भी और साथियों को ढूंढना हो। हमें कुछ ऐसे इंसान चाहिए जो टॉयलेट मॉन्स्टर को मारना चाहते हो और वो हमारे साथ मिलकर हमारी हेल्प करेंगे हर इंसान को वापस इंसान बनाने में। हर एक टॉयलेट मॉन्स्टर को वायरस को हम खत्म कर देंगे। हाँ गाइस यार हम हर एक को खत्म कर देंगे। अरे समित अब खड़े हो, सोते रहोगे क्या? हाँ मेरे अंदर एक अलग पावर आ चुकी है कैमरामैन, अब मैं फिर से खड़ा हो चुका हूँ और एक अलग ही पावर के साथ। और ये है मेरे दोस्त, ये है मेरी फैमिली जो अब मेरी मदद करेगी टॉयलेट मॉन्स्टर को हराने में और सिंचैन को वापस लाने में। तैयार हो सब लोग? हाँ हम सब तैयार हैं। आ जाओ दोस्तों, हमें अपने सिंचैन को वापस लाना है और टॉयलेट मॉन्स्टर का नाम और निशान मिटा देना है। और गाइस यार यहाँ पर तो खतरनाक वाली बारिश हो रही है, टॉयलेट मॉन्स्टर हम लोग आ रहे हैं, मेरी पूरी टीम आ रही है तुझे मारने के लिए। आ जाओ कैमरामैन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे एक सेकंड एक प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है, अब क्या हो गया, कैसे फुस्सी से निकल गई तुम्हारी? अरे अरे मैं तो भूल गया, अरे यार मैं जब लास्ट बार सिंचैन से मिला था ना तो मैंने सिंचैन को तो हरा दिया, पर यार वहां पर वो स्किबिडी टॉयलेट आ गया था, वो सबसे बड़ा वाला, मैं उसको बिल्कुल नहीं हरा पाया। मतलब जो मेरी ताकत है ना इन तीन कैमरा के साथ वो भी कम पड़ गई उसको मारने में, अगर वो फिर से आ गया तो हम सबको एक साथ मार डालेगा। अरे समित ये बात तो बहुत ज्यादा सीरियस बोली, सही वक्त पे बोली तुमने। अगर हम ऐसे ही बिना सोचे साचे हमला करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे, और हम लोग मर गए तो कोई भी सिंचैन को नहीं बचा पाएगा और पूरी इंसान ये टॉयलेट में बदल जाएगी। तो इसलिए हमें प्लान बनाना होगा और कैसे करके हम में से किसी एक को ताकतवर बनाना होगा। हम में से एक नहीं तुमको ही ताकतवर बनना होगा। अरे यार किसी और को बना दो ना। नहीं तुम्हारे अंदर जो इच्छा है ना वो किसी और के अंदर नहीं है, तो हम तुझे ही दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाएंगे जो टॉयलेट मॉन्स्टर से लड़ाई कर सकता है। पर यार अब कोई तरीका है क्या और ज्यादा पावरफुल बनने का? तरीका तो है पर फिर तुम कैमरामैन नहीं रहोगे। मतलब कैमरामैन नहीं रहूंगा? क्या मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा? नहीं उसके लिए एक अलग जुगाड़ है जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, पर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज है वो? मैं लेके आऊंगा। क्या चीज है, कहाँ मिलेगी वो? मैं तुम्हें तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा, जाओ तुम उसे ढूंढ के लाओ उस चीज को जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो सको। ठीक है चलो आ जाओ, मैं बनने वाला हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिससे मैं टॉयलेट मॉन्स्टर को हरा सकूं और मैं अपने सिंचैन भाई को वापस ला सकूं। और तुम लोग ध्यान रखना जो भी टॉयलेट मॉन्स्टर तुम्हें दिखे उसे मार डालना और किसी भी आदमी को अब टॉयलेट मत बनने देना। चलो गाइस यार मैं चलता हूँ जल्दी से उस चीज को ढूंढने के लिए जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो सकूं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आज को वो चीज लेने के लिए जिसके बारे में मुझे बताया था यार कैमरा बॉस ने। तो गाइस यार तुम्हारा भाई लेके आया इतनी ज्यादा बड़ी वाली बोट क्योंकि यार मुझे कुछ डिस्क एंटीना लाना पड़ेगा, वो कुछ ऐसा होता है और मुझे पता उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है, इसलिए यार मैं इतनी बड़ी वाली बोट लेके आया हूं यार, इसके अंदर वो आराम से आ जाएगा। और गाइस यार वो चीज मेरे को मिलने वाली है अवेंजर्स के घर पर। हां गाइस यार वो चीज मिलेगी मेरे को अवेंजर्स के घर पर। ओके लेट्स गो गाइस चलते हैं जल्दी से अवेंजर्स के घर पर। और तुम लोग ये सोच रहे हो मैं बोट क्यों लेके आया हूं, क्योंकि अगर मैं सीधे रास्ते से आऊंगा क्या पता यार स्किबिडी टॉयलेट्स को पता लग जाए या फिर यार अवेंजर्स को भी पता लग जाए कि यहां पर मैं चोरी करने वाला हूं, इसलिए यार मैं यहां से आया हूं बोट के रास्ते से, कोई चेक भी नहीं करेगा, पानी में से कोई आ सकता है। अरे यार मुंह के बल गया। ओके गाइस यार अब धीरे धीरे जाता है तुम्हारा भाई यहाँ से एंट्री कर लेगा जल्दी सी। और यार मुझे पता चला है वो जो असल में एंटीना है वो असल में नीचे मिलेंगे मेरे को। और गाइस यार देखो वो रहे सामने अवेंजर्स, हल्क रहा, स्पाइडरमैन रहा और आयरन मैन भी है यार। और यार मेरे को असल में यार नीचे जाना है, एक काम करता हूँ उस साइड से नीचे डायरेक्ट डाक मार लेता हूँ आराम से, छुपते छुपाते देख ना ले ये लोग बस। ओ पता नहीं यार ये क्या बातें कर रहे हैं, सुन तो लेता हूँ। हल्क कहता है स्पाइडरमैन तुम यहाँ से चले जाओ, टॉयलेट मॉन्स्टर से मैं अपने आप लड़ लूंगा। हम भी है हम लड़ लेंगे, आने नहीं देंगे यहाँ पर। ओ गाइस यार ये तो खुद
टॉयलेट मॉन्स्टर से लड़ाई करने के बैराग में है, पर गाइस यार मैं इनको बता नहीं सकता मेरा प्लान अभी, ये मेरे को पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यार अब मैं फ्रैंकलिन कम, मैं सुमित नहीं लग रहा, अब तो भाई मैं कोई कैमरा वाला लग रहा हूँ, और वो भाई काफी अजीब सा लग रहा हूँ। तो चलो गाइस यार, तुम्हारा भाई नीचे आ चुका है, अब जाके देखता हूँ गाइस यार मेरे को बस वो एंटीना मिल जाए जिसके लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। हो गाइस यार देखो, शायद यार ये वही एंटीना है जिसके बारे में मुझे बताया था कैमरामैन बॉस ने, यही एंटीना शायद मेरे को यहाँ से लेके जाने यार काफी सारे है। तो चलो गाइस यार जल्दी से इनको अपनी बोट के अंदर रख आता हूँ। तो गाइस यार मुझे सिर्फ इन चीजों की जरूरत है और बाकी चीज मैं ऑलरेडी रख के आ चुका हूँ। तो चलो यार अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले एवेंजर्स को पता लग जाए कि कोई घुसपैठिया घुसे आया है यहाँ पर। ओ चलो यार जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले तो कोई देख ले मेरे को। आराम आराम से, आराम आराम से एक बार देख तो लेता हूँ चल क्या रहा है यहाँ पर। ओ गाइस यार ये क्या है सामने, मैं एक बार यहाँ से निकल लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें जल्दी से। ओ गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई एवेंजर्स को घेर लिया है इसके भी टॉयलेट्स ने, यार ये इनको भी टॉयलेट बनाने वाले मेरे हिसाब से। गाइस यार मेरा मन तो है कि यार मैं अवेंजर्स को बचा लूं, पर गाइस यार इसके भी टॉयलेट्स मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं यहां से जल्दी से निकलता हूं, मुझे जो मेरा काम है वो करना है, मैं जल्दी से यहां से निकलता हूं बोट लेके, लेट्स गो, बैठता हूं यार अपनी बोट में जाकर। भाई सब बच गया बार बार। चलो गाइस यार बोट के अंदर चढ़ते हैं जाकर जल्दी सी। ओके यार मैंने यहाँ पर वो सारा सामान रख दिया जो मैं ले गया था अवेंजर्स के घर पर, पर गाइस यार सबसे बुरा क्या हुआ यार, अवेंजर्स को भी टॉयलेट बना दिया गया यार। और सोचो यार अवेंजर्स टॉयलेट कितने ज्यादा ताकतवर होंगे यार, हमारे लिए तो यार चीजें बढ़ती जा रही यार, मेरे को समझ नहीं यार हम लोग हराएंगे कैसे और शिनचैन को वापस लाएंगे। हाँ कैमरा बॉस आपने जो चीजें मंगाई थी वो मैं लेके आ चुका हूँ, अब क्या करना है। शाबाश तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो सुमित, तुम कमाल के हो सैमी, कहाँ पर वो चीजें, वो रखी उस साइड। एक काम करो उन सभी चीजों को उठाओ और इस टीवी के साइड में लगा दो। क्या इस टीवी के साइड में, ये क्या चीज है। ये है असल मेट, ये हमारा एक और दोस्त होने वाला है। मतलब क्या कह रहे हो, ये हमारा एक और दोस्त होने वाला है। एक सेकंड यार मुझे चेक तो करने दो क्या चीज है। ओह गाइस यार, अबे कैमरा बॉस ये भी आपकी तरह कुछ ऐसे इंसान सा लग रहा है, पर ये इसके पैर है, ये इसकी कमर है, पता नहीं क्या है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम आएगी। ये असल में हमारा एक और दोस्त होने वाला है और ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। क्या बोल रहे हो सैमी। हाँ ये बहुत ताकतवर होने वाला है, बस एक काम है, हाँ इसके अंदर जान डालनी होगी। अब इसके अंदर जान कैसे डालेंगे हम लोग, उसके लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। एक काम करो, जो तुम चीजें लेके आए हो इसके साइड में लगाओ सारी की सारी। ओके ओके अभी लगाता है, जल्दी से जाकर यार मुझे वो सारी चीजें उठा के लानी, अभी लगाता हूँ दो मिनट। ओके तो गाइस यार जैसा कि कैमरा बॉस ने मुझे बताया था मैंने वो सारी चीजें कर दी है, मैंने ये तीनों की तीनों एंटीना इसकी तरफ फेस करके खड़ा कर दिया और यहाँ पर ये एंटीनाज भी लगा दिए। अब करना क्या है, जाओ बस इसको ऑन करो। ऑन कहाँ से करना है, बस टीवी को क्लिक करो। ओके अभी करते तुम्हारे भाई जाकर। ओए मेरा नाम है टीवी। ओ ये कहाँ से आवाज़ आई। अरे इसमें टेंशन मत लो, वो वही बोल रहा है जैसे मैं बोलता हूँ। क्या, ओए मेरा नाम है टीवी द फौजी और मैं टॉयलेट मॉन्स्टर को छड़ांगे नहीं। ओ गाइस यार इसको पता है टॉयलेट मॉन्स्टर के बारे में। बतू कौन है छोरे। अरे अरे मेरा नाम सुमित है और मैं भी आपके साइड हूँ, मैं असल में कैमरामैन का दोस्त हूँ और आज से मैं आपका भी दोस्त हूँ, हम लोग मिलके टॉयलेट मॉन्स्टर को हरा देंगे। ओए मेरे पास मेरा शरीर नहीं है, ये क्या बकवास है रे। अरे टीवी मैन क्या बताऊं, सब बदल चुका है, टॉयलेट मॉन्स्टर हर जगह फैल गए, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें सुमित को अपनी शक्तियाँ देनी होगी। तोड़, ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मैं सुमित को अपनी शक्तियाँ देता हूँ। ओके सुमित तैयार हो जा, मैं तुझे अपनी शक्तियाँ देने वाला हूँ। ओल्ड ब्रेन, ओए टीवी का एंटीना हिला दे, शक्तियाँ सुमित तक पहुँचा दे। ओए टीवी का रिमोट हिला दे, ओए टीवी का रिमोट दबा दे, एंटीना हिला दे और सुमित को शक्तियाँ दिलवा दे। ओ गाइस यार देखो मैं असल में अब एक टीवी मैन बन चुका हूँ। ओ देख रहा हूँ कैमरामैन। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो पहले से। ओ गाइस यार देख रहा हूँ मैं असल में बन चुका हूँ एक टीवी मैन। तो गाइस यार मुझे लगता है अब हम लोग शिनचैन को हरा सकते हैं और साथ में वो सबसे बड़े वाले टॉयलेट मॉन्स्टर को भी। तो गाइस यार शिनचैन को हराऊंगा मैं नेक्स्ट गेम प्ले में। अगर आप लोग चाहते इस वीडियो को मैं पार्ट 3 लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार पार्ट 3 शिनचैन को बचाएंगे हम लोग। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके आए तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, और हम मिलेंगे इसके नए गेम प्ले में। जब तक ले सायोनारा।